नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में पर्यावरण को शुद्ध एवं स्वच्छ रखने के लिए और मिट्टी के सामग्री बनाने वाले कुम्हारों को संरक्षण देने के उद्देश्य से दिवाली के अवसर पर मिट्टी के दिए उपयोग करने के लिए जिला प्रशासन कलेक्टर स्वर्गवासी सोमवंशी की पहल से मुहिम छेड़ी गई है। इस मुहिम से कलेक्टर की मौजूदगी में जिले वासियों को जोड़ने एवं प्रेरित करते हुए मिट्टी के दिए जलाकर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपदान कार्यक्रम जिला मुख्यालय से लेकर जिले के अन्य स्थानों में स्थानीय लोग एवं अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। दीपदान कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर स्वर्गवासी सोमवंशी एवं उनकी पत्नी ने दिवाली पर्व पर छोटे छोटे बच्चों को गिफ्ट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। वही आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिलाएं एवं बच्चों ने आकर्षक रंगोली बनाकर मिट्टी के दीयों का उपयोग करने के लिए जिले वासियों को संदेश दिया है। वही दीपदान कार्यक्रम अवसर पर जिला कलेक्टर स्वर्गवासी सोमवंशी, जिला पंचायत अधिकारी अंकित अस्थाना, ट्राइबल उपायुक्त आनंद राय सिन्हा, नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले, CMHO आरके श्रीवास्तव, PHE अधिकारी AV निगम एवं पाली क्षेत्र में तहसीलदार अभिषेक पांडे, नगर पालिका अधिकारी श्रीमती आभा त्रिपाठी, जनप्रतिनिधि प्रकाश पालीवाल, SDOP अरविंद तिवारी सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी, स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित होकर लोगों को जागरूक करते हुए दीपदान कार्यक्रम को सफल बनाया। आज ये दीपदान का कार्यक्रम रखा गया था धनतेरस के लिए, जिसका उद्देश्य जो मिट्टी के दिए हैं उनको बढ़ावा देना है। हमारे जो भी कुम्हार भाई अपने घर में बहुत मेहनत से दिया बनाते हैं, पूरे जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत से और चारों नगर पालिकाओं ने बड़ी मेहनत से आज कार्यक्रम का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि हम अधिक संख्या में मिट्टी के दिए खरीदें बिना मोलभाव किए हुए और उनको उनके परिवारों को यथासंभव प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम में मैं सभी जिले के सभी नागरिकों को धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुभकामनाएं सभी को। और आज कलेक्टर साहब आए थे और उनकी वाइफ भी आई थी, सबको अच्छा लगा। हम लोग सब परिवार सहित भी हम लोग भी आए हैं, वो भी आए थे। नागरिकों को धनतेरस दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्लास्टिक को हताश करने के लिए और कुम्हारों के उद्योग को, उनके छोटे छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए कि दिए का उपयोग परंपरागत ढंग से फिर किया जाए, कलेक्टर साहब की अभिनव पहल थी। और पूरे जिले में चारों नगर पालिकाओं में 3 दिवसों में 50,000 से ज़्यादा दिए जो हैं हम जला के लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित करेंगे। और सबको, पूरे जिले को, जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से धनतेरस एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसमें सारे अधिकारी आए थे, सबने सहभागिता की और ये एक बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम जिला प्रशासन के 50,000 से और जलाकर करके मार्गदर्शन में दो स्थानों पे किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि अधिक से अधिक मिट्टी से बने हुए दीयों का इस दिवाली में उपयोग करें और अन्य चीजों से बने हुए दीयों का उपयोग बिल्कुल न करें, वातावरण को शुद्ध रखें और स्वच्छ और सुंदर दिवाली मनाएं। दिवाली की एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं। यहाँ दीपदान, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं। यहाँ दीपदान हो रहा है, साहब भी आए हैं, उनके घर के सभी कोई आए हैं, उन्होंने भी दीपदान किया और यहाँ धनतेरस उत्सव बनाए। मेरा तो आज यहाँ दीपदान हुआ गया है, आज हमारे यहाँ कलेक्टर साहब आए थे यहाँ दीपदान। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिला प्रशासन का, इसमें आज उमरिया में पहली बार इस तरीके का एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है जिसमें लगभग 8,000 मिट्टी से बने हुए दीप उज्ज्वलित किए गए। बहुत ही खुशनुमा माहौल है यहाँ पे, देख रहा हूँ चारों तरफ देखने को मिल रहा है कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, रंगोलियाँ बना रहे हैं, दीप उज्ज्वलित कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फिर से एक बार अंततः मैं जिला प्रशासन का, हमारे कलेक्टर महोदय का, हमारे CMO साहब का, सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। PHE उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट।